हाँ जी ठीक है ना, हमको आज हैमबर्गर इफेक्ट पढ़ने हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, क्लोराइड शिफ्ट वगैरह और कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो हमारी एंजाइम होती है, जैसे कि हमने पहले बोला हुआ था जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तब हमने देख बोला था कि एक पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, आरबीसी में एक पॉइंट आया था कि उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होती है, तब हमने बोला था इसको अपन रेस्पायरेशन में कवर अप करेंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं, तो ये हमारी क्या है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। ठीक, अब हमें पूरा कुछ देखना है, कैसे बाइंडिंग होती है, कैसे डिसोसिएशन होता है, क्या चीजें चलती हैं, सब कुछ हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 टिश्यू से आया हमारा, आरबीसी में आया ना, ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो O2 जाएगा, तो देखो ये O2 जा रहा है ना, तो CO2 हमारा टिश्यू से आया। ठीक है, CO2 आके किससे बाइंड किया, हमारा H2O से बाइंड किया, और H2O किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में हमारा कार्बोनिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि हमने बोला था कि बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए वो बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में टूट जाता है ना, बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में टूट जाता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड हमारा काफी अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये देखो हमारा बाइकार्बोनेट बन गया और H+ आयन बन गया, ये H+ कहाँ गया, हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड किया, ये H+ हमारा कहाँ गया, देखो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड किया। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से जब हमारा बाइंड किया इसने, तो फिर क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन हुआ, यही तो होता है ना, हम पढ़ते हैं ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन की कंडीशंस, हमने देखी थी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन में क्या होता है, हमारा H+ बढ़ते हैं, pH कम होता है ना, तो H+ बढ़ेगा pH कम होगा, बात बराबर है, तो H+ हमारा कैसे बढ़ता है, जब हमारा कार्बोनिक एसिड जो है रहता है वो डिसोसिएट करता है बाइकार्बोनेट, और H+ में डिसोसिएट करता है। ठीक है, तो वो H+ का क्या होता है, वो हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन से हमारा बाइंड करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है आगे, फिर हमने बोला था कि हमारा जो CO2 होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन से भी बाइंड करता है ना, कितना परसेंट बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से CO2? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में हमने पढ़ा था ना, तो बता दो भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में कितना परसेंट प्लाज्मा, कितना परसेंट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और कितना परसेंट कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कौन बताने वाला ट्वेंटी है? टू ट्वेंटी फाइव हाँ ठीक है, तो ये जो रहता है हमारा 20-25% जो रहता है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहता है। तो ये देखो हमारा यहाँ पर क्या था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, इससे क्या आया, CO2 आया, जो कि CO2 की एफिनिटी ज्यादा होती है, क्या होती है, CO2 की O2 के कंपैरिजन में एफिनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा CO2 H हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा और O2 डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखो कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, जब हमारा हमने यही कंडीशन पढ़ी थी सारी की सारी, O2 डिसोसिएशन कब होता है, जब H+ ज्यादा होता है, pH कम होता है और PCO2 ज्यादा होता है, यही कंडीशन पढ़ी थी हमने। तो जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मतलब CO2 का कंटेंट ज्यादा होगा, तभी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा। तो भाई देखो ये CO2 हमारा आया, उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड किया और उसने क्या किया, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करा दिया और खुद बाइंड करके के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना दी, इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गया। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे H+ है जो इससे बाइंड कर रहा है हमारा। ठीक है, H+ हमारा इससे बाइंड कर रहा है, अब इसमें हम अभी तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयन थे, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई हमें ऐसी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब इसका क्या होता है हमारा, तो हमारा बाइकार्बोनेट का क्या होगा, ये भी तो बात है, बाइकार्बोनेट का क्या होगा, तो बाइकार्बोनेट का क्या होता है, बाइकार्बोनेट का हमारा क्लोराइड शिफ्ट चलती है, हम क्या करते हैं बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा में भेजते हैं, क्या बढ़ते हैं, जब हम बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा में भेजते हैं तो बदले में हमें अंदर भी तो कुछ आना पड़ेगा। ठीक है, पता है ना हमें आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि नहीं मेंटेन करके रखना है, तो जब हमारा नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो नेगेटिव को अंदर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, तो देखो हमारा एक नेगेटिव बाहर जा रहा है तो उसके बदले एक नेगेटिव अंदर आ रहा है, मतलब इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट बाहर जाता है तो क्लोरीन
क्लोराइड आयन हमारा अंदर आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, है ना। इस तरीके से जो हमारा प्लाज्मा के फॉर्म में देखा था हमने, ठीक है, वो प्लाज्मा के फॉर्म में ये हो गया हमारा, ठीक है, प्लाज्मा के फॉर्म में ये हो गया ये हमारा क्लोरीन कार्बन। का अपने बॉडी में काम क्या होता है? मीन आयनिक बैलेंस मेंटेन करना, क्लोराइड का जो मेन काम होता है आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना, यही काम होता है। और बाकी अगर तुम ऐसा चाहते हो कि और किसी चीज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो, तो और किसी चीज में ऐसे सच इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जैसे कि कैल्शियम वगैरह होते हैं, क्लॉटिंग वगैरह में इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना, और कॉगुलेट उसमें इम्पल्स कंडक्शन में रखते हैं, सब में, है ना। सोडियम पोटेशियम होते हैं वो अपने इम्पल्स कंडक्शन में वो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन अगर क्लोराइड का देखें तो क्लोराइड का अपने में सबसे मेन काम देखें तो क्लोराइड शिफ्ट देख सकते हैं अपन। मेनली ये आयंस अपने क्या करते हैं, आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है। एज सच बहुत तो ये नहीं कहते कि कोई स्पेसिफिक रोल होता है, लेकिन आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में होता है, ठीक है। क्योंकि अपनी बॉडी में हमने बोला था अपनी बॉडी में आयनिक बैलेंस रहना चाहिए, पीएच बैलेंस रहना चाहिए, कंसंट्रेशन जो रहता है ना, ऑस्मोलैरिटी बैलेंस होनी चाहिए अपनी बॉडी में, सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए। तो वही बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपने पास ये सारी चीजें होती हैं, आयंस वगैरह होती हैं, ठीक है ना भाई। हेलो, आवाज आ रही है तुम लोगों को आपकी आवाज कट रही थी, अभी? हम बीच में आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, अभी ठीक है ना, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अपना क्या हो गया, हैमबर्गर इफेक्ट हो गया। जितना भी अपन ने देखा क्या कैसे हमारा किसमें बाइंड करता है, तो ये अपना क्या हो गया, पूरा हैमबर्गर इफेक्ट हो गया, है ना। तो ये समझ में आया तुम लोगों को, और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, हमारा जो कार्बोनेट बनता है बाई कार्बोनेट, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होती है जो, ठीक है, याद रखना इसको भाई, बोलना मत, यस ठीक है ना। आरबीसी में होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। अपना रेस्पायरेशन कौन रेगुलेट करता है, तो अपने पास कुछ ब्रेन में सेंटर्स होते हैं ना, न्यूरल रेगुलेशन मेनली पढ़ रहे हैं अपन। तो पहले ये देख लो, ब्रीदिंग अकर इन वॉलंट्री आर नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन ब्रीथ्स, ठीक है, ब्रीथ्स नहीं है, ब्रीथ्स है ये, 12 to 16 टाइम पर मिनट, कितना, 12 से 16 बार पर मिनट ब्रीथ करता है। इंस्पायरेशन लास्ट अबाउट 2 सेकेंड एंड एक्सपायरेशन लास्ट अबाउट 3 सेकेंड, ठीक है भाई। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन इंक्लूड्स बोथ नर्वस और केमिकल, ठीक है। इसमें अपन नर्वस जो न्यूरल रेगुलेशन है वो भी पढ़ेंगे, और केमिकल भी इससे जुड़ा हुआ होता है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल क्यों, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि इसमें आयंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि नहीं, एच प्लस आयंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बाई कार्बोनेट आयन का कितना इंपॉर्टेंस है, तो इसमें आयंस का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम केमिकल से जो रेगुलेशन है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो नर्वस रेगुलेशन, देयर आर 2 सेंटर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है, हमारे पास 2 सेंटर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, ठीक है, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा 2 होते हैं अपने पास सेंटर, याद रखना। तो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर सबसे पहला क्या आता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर लोकेटेड इन द मेड्यूलर, ठीक है, मेड्यूलरी रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन। इट कैन आइदर कॉज एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूरॉन्स विच आर एक्टिवेटेड एंड देयर बाई रेगुलेट द रेस्पायरेटरी रिदम, ठीक है। अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से ये हमारी रेस्पायरेटरी रिदम मेंटेन करके रखता है, कौन, मेड्यूलरी रीजन होता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो हमारा रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है, हमारी एक रेस्पायरेशन की रिदम मेंटेन करके रखता है कि कितना इंस्पायरेशन होना है, एक्सपायरेशन होना है, ये सारा कुछ मेंटेन करके रखता है। अब आ जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कौन सा सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आ जाता है। द सेंटर इज प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन में, इन ब्रेन।
इट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है, ये किसके फंक्शन को मतलब देखता है, किसके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को देखता है. द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, अगर इसको रेस्पिरेटरी रेट को, जैसे क्या है कि रेस्पिरेटरी रेट जो हमारा नॉर्मल है वो नहीं चल रहा है, ठीक है, इसको मेंटेन करना है, तो ये खुद से एज सच कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रिदम कौन मेंटेन करके रखता है, मेड्यूला मेंटेन करके रखता है. तो ये क्या करता है, ये उसको मेड्यूला को जाकर बोलता है कि क्या करो आप, इंस्पायरेशन की अगर ड्यूरेशन कम हो जाएगी हमारी तो रेस्पिरेटरी रेट जो है अल्टीमेटली मेंटेन हो जाएगा. ठीक है, तो ये याद रखना किसका रिड्यूस करता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस करता है ना. यहाँ पे अगर जैसे ऑब्जेक्टिव आया है ना, जैसे एमसीक्यूज आते हैं, तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या इंस्पायरेशन, एक तो रेस्पिरेशन डाल सकते हैं कि रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, एक डाल देंगे इंस्पायरेशन, एक डाल देंगे एक्सपायरेशन, और एक डाल देंगे बोथ इंस्पायरेशन, सॉरी क्या कहते हैं, नन ऑफ द अबव या कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं ना, चौथा ऑप्शन. तो तुम्हें अगर ये इतने ध्यान से अगर इसको नहीं देखा होगा है ना, तो तुम क्या कर लोगे, उसको गलत कर दोगे, क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, है ना. तो ये चीजें तुम्हें बहुत ध्यान से देनी है, बहुत ध्यान से देखनी है ये चीजें. एनसीईआरटी की जो लाइन्स होती हैं बहुत ध्यान से पढ़नी है अपनी, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है. ठीक है ना, तो एनसीईआरटी की लाइन्स बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़नी है उनको. अब केमिकल रेगुलेशन देख लेते हैं. तो केमिकल रेगुलेशन आर कीमो सेंसिटिव एरिया, हमारे पास क्या होते हैं, कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, है ना. तो जिसमें हमें पता चलता है कि जो आयंस वगैरह, एक मिनट ना, हाँ ठीक है, तो हमें पता चलता है कि जैसे कोई आयन वगैरह ज्यादा हुआ, कम हुआ, या हमारे जो जैसे CO2 वगैरह है, O2 वगैरह, इनको डिटेक्ट कर लेता है. तो अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर. ठीक है, रिदम सेंटर हमारा क्या था, मेड्यूला में सिचुएटेड था. तो ये क्या होता है, हमारा रिदम सेंटर के पास में होता है. कंटेन कीमो रिसेप्टर, क्या होते हैं इनके पास, कीमो रिसेप्टर होते हैं, विच आर सेंसिटिव फॉर, किस किस के लिए सेंसिटिव है, CO2 के लिए और H+ के लिए. ध्यान से सुनना, किस किस के लिए सेंसिटिव है, CO2 और H+ के लिए. ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरियाज गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन CO2. अगर अपना क्या होता है, CO2 नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर CO2 नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है तो अपन इतना समझ सकते हैं ना कि कुछ अपना रेस्पिरेशन गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, और अगर H+ भी इंक्रीज हो जाता है तो भी हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमारा क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तभी हमारा CO2 ज्यादा हो रहा है, तभी H+ ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो जैसे ही ये हमारा वो क्या करता है, कीमो रिसेप्टर CO2 H+ को डिटेक्ट करता है, उसके कंसेंट्रेशन को, कि उसका इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन हुआ है, वैसे ही वो क्या कर देता है, विच इन टर्न एक्टिवेट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. वैसे ही क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को जाके बोलता है कि भाई क्या करो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ऑल्टर करो, सही करो इसको. क्यों, क्योंकि CO2 H+ इतना नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है. CO2 एंड H+ आयंस सेंसिटिव रिसेप्टर्स आर aortic बॉडी एंड कैरोटिड बॉडीज. ठीक है, कहाँ होते हैं, aortic बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज में होती हैं जो केमिकल रिसेप्टर्स पता चल रहे हैं, कीमो रिसेप्टर्स. तो ये कुछ अपने बताए गए हैं, है ना. तो जो जो हमने अंडरलाइन किए हैं वो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद रखना. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलेशन हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन जो सिस्टम पढ़ रहे थे वो हमारा हो गया. न्यूरल रेगुलेशन भी पढ़ लिया हमने और केमिकल भी पढ़ लिया. ठीक है, और जितनी लाइन हमने अंडरलाइन किए हैं उसको भाई ध्यान से बड़े पढ़ना. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं इसके डिसऑर्डर. ठीक है, अब सब कुछ कर लिया, अब डिसऑर्डर की बारी आ जाती है. तो जो डिसऑर्डर अपने होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अस्थमा देखते हैं. सबसे पहले अस्थमा आता है. अस्थमा में क्या होता है,
तो सब में जितने भी डिसऑर्डर आएंगे तुम उसका वो जरूर याद रखना कि इसमें कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। इट अकर्स ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, जब इंसान को किसी चीज से एलर्जी होती है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन सब्सटेंस दैट अफेक्ट द रेस्पायरेटरी ट्रैक, जो क्या करते हैं हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्रोंकियोल, ठीक है, ये क्या करता है, ब्रोंकियोल में हमारा अस्थमा जो होता है उसमें ब्रोंकियोल्स अफेक्ट होते हैं। तो अस्थमा मेनली, मतलब अगर ऐसे तो नहीं है कि अस्थमा जो होता है उसके एलर्जीज वाले रिएक्शन काफी होते हैं, काफी एलर्जेंस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एलर्जेंस होता है वो क्या होता है पता है क्या? पॉलिन, पॉलिन ग्रेन मोस्ट कॉमन कॉज है जो अस्थमा का, मतलब मोस्ट कॉमन जो एलर्जी होती है लोगों को वो पॉलिन ग्रेन से होती है ना? तो ये हमारा मेन रीजन है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, ब्रोंकियोल है, ये हमारा ब्रोंकियोल का इन्होंने सेक्शन दिखा रखा है। तो ये म्यूकस लेयर, इसमें क्या होता है, क्योंकि जब हमें एलर्जीज वगैरह होती हैं तो हमारा बॉडी एक डिफेंस की तरह काम करता है, बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म चलती है, क्यों, फॉरेन सब्सटेंस आए हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म तो चलेगी। तो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारा जो म्यूकस और ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो ब्रोंकियोल्स में और ज्यादा म्यूकस आ जाता है, जिसकी वजह से उसका ल्यूमिन कम हो जाता है, ल्यूमिन कम हो जाता है तो एयर कम जा पाती है, एयर कम जा पाती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कम हो पाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगा तो हमें क्या होगा, जो अस्थमा में होता है सांसें फूलती हैं, क्यों फूलती हैं, मतलब एकदम तेज से सांसें क्यों आती है, जो ऑक्सीजन की कमी है भाई, हम चाह रहे हैं कि अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर आए, हम क्या चाह रहे हैं, अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर आए, ठीक है। तो अस्थमा में याद रखना ब्रोंकियोल्स के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। अब आ जाता है एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा एक कॉमन डिसऑर्डर है जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या जो स्मोक वगैरह में काम करते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, एल्विओलाई डैमेज हो जाती है। क्या डैमेज हो जाती है? एल्विओलाई डैमेज हो जाती है, ठीक है, एल्विओलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे कि डायग्राम में देखो, ये नॉर्मल एल्विओलाई है, ये एल्विओलाई विथ एम्फाइसीमा में है, तो सरफेस एरिया कितना कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो एक्सचेंज कम हो जाएगा, है ना, एक्सचेंज कम हो जाएगा तो O2 अल्टीमेटली कम अपनी बॉडी को पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है एम्फाइसीमा, मेनली एल्विओलाई की वजह से, याद रखना इसको, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट आ जाता है हमारा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में मतलब ना हमें एलर्जी है ना हमें स्मोकिंग, लेकिन हमारा ऑक्यूपेशन ही कुछ ऐसा है जिसमें हमें उसके कॉन्टेक्ट में बार बार आना पड़ रहा है, ठीक है, हम सालों साल उसी में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमें वो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। मतलब इतने माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, इतने माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जो आपको अपनी आंखों से भी नहीं दिखते, लेकिन आप डेली उसके कॉन्टेक्ट में हो, तो जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, आप इनहेल कर ही लेते हो, और इनहेल करते करते सालों साल जब निकल जाते हैं, क्योंकि आपका वो ऑक्यूपेशन है, आप वो काम ही कर रहे हो, है ना, वो काम ही कर रहे हो, तो आपको क्या होता है, ये डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें भी वही अपना सारी चीजें होती हैं, इसमें भी अपन को सांस लेने में परेशानी होती है। तो इसमें मेनली कौन सा आ जाता है हमारा, एस्बेस्टोसिस आ जाता है और सिलिकोसिस आ जाता है, ठीक है, एस्बेस्टोसिस आ जाता है और सिलिकोसिस आ जाता है ना। तो जो एस्बेस्टोस की वजह से होता है वो उसको एस्बेस्टोसिस बोल देते हैं, और जो सिलिका की वजह से होता है उसको सिलिकोसिस बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। यस मैम। और बताओ, पूरे चैप्टर में आप बताओ, किसी को परेशानी, कोई तकलीफ, नो मैम। ठीक है, तो हाँ जी, चलो भाई ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो पहला पढ़ते हैं अपन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन के बेसिस पे है, क्लियरली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया हुआ है, तो इसमें हमें ABCD का बताना है, तो बताओ भाई इसको पढ़ के जल्दी से।
कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब लेबलिंग भी सही है, उसके बारे में जो दिया हुआ है वो भी सही है, ऐसा। हाँ जी, अरे भाई इतना तो इजी है, जल्दी से बताओ। हम सोम बोलो बोलो, कोई बोलो, इतना तो इजी है भाई, क्या किसमें कंफ्यूजन है। लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है हमको? अविनाश, ऑप्शन सी बोला है सोम ने, और बताओ। ये सोम का आंसर हो गया। अभिनव का बताओ, प्रियंका, देवांश, बताओ भाई सारे लोग। अभिनव का भी सॉरी, हाँ सोम का भी, अभिनव का भी सी, ठीक है, प्रियंका और बताओ भाई। जी का सी हो गया, ठीक है। तो इसमें तो हमें करेक्ट वन करना था, तो पहले में बताओ, पहले में तुम लोगों को क्या गलत लगा? पहले में क्या गलत है? लेबलिंग तो बिल्कुल सही है, हाँ भाई सी तो बिल्कुल सही है, उसने बताया है कि सी तो एल्विओलाई पे ही जा रहा है, ठीक है। थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गलत है क्या एल्विओलाई के बारे में? ये एल्विओलाई के बारे में गलत है क्या? अरे भाई बोलो तो। ये गलत नहीं है भाई, पहला ही तो अपना आंसर है, ठीक है। अब गलत गिनाते हैं हम तुम लोगों को। डी बोला है लोअर एंड ऑफ द लंग, नहीं भाई सीधी सी बात है, डी अपना डायफ्राम है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द लंग नहीं बताया, डी डायफ्राम है, तो ये गलत हो गया। सी जो तुम लोगों ने बोला है, तो सी में बोला है मैम ए इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस इनकम्प्लीट, गुड, इनकम्प्लीट होगा, याद नहीं हमने बोला था सी शेप होती है, आगे कार्टिलेज होती है, पीछे मसल होती है, आगे कार्टिलेज की रिंग होती है सी शेप में, और पीछे क्या होती है, रिंग होती है, कितनी क्लियरली हमने बताया था, और बार बार करके बताया था, तो भी तुम लोगों ने गलत कर लिया भाई, ठीक है, आप याद मैम, वो रखना। सी वाला बोला था मैम, एल्वियोली वाला। अच्छा ऐसा बोला था, अच्छा, तो सबने ऐसे ही बोला था कि ऑप्शन सी बोला था, चलो कोई बात। लंग्स आर एनक्लोज्ड इन,
ठीक है। लंग्स आर एनक्लोज्ड इन मैम डी डी, गुड। स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इज, ये भी बताया हुआ है लेक्चर मैम में। या फ्रॉग फ्रॉग, गुड। फ्रॉग हाँ, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे क्वेश्चन आया है। सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन के इवेंट्स अपन लोगों ने पढ़े हुए थे, अपन को करेक्ट इवेंट्स बताने हैं कि करेक्ट क्या क्या होता है। तो पहला कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, दूसरा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, फिर आता है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। तो इनका अपन को करेक्ट बताना है भाई, इंस्पायरेशन में क्या क्या होता है। मैम शायद ऑप्शंस इनकम्प्लीट है। मैम ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, और सी और डी ये है। तुम तो इसमें से ऐसे ही बता दो ना भाई कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर अपन देख लेंगे। मतलब तुम्हारे हिसाब से इंस्पायरेशन में कौन कौन से सही होने चाहिए। ए कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम होता है क्या? यस मैम ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है क्या? हाँ ठीक, मैम पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्या? इंस्पायरेशन करना है तो इंस्पायरेशन में मतलब हमें एयर बाहर से अंदर लानी है, तो अंदर लानी है तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, मैम डिक्रीज है ना? अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। तो का अगर यस मैम प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, इंक्रीज है ना? वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, और ऐसे ही फोर्थ वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट वाला। गुड, ठीक है। देखो कितने सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं, कितने इजी से क्वेश्चन होते हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एथलीट इज इतना और इतना, ठीक है, 500 और 1000 ml। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज इतना? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? बोला था ना इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी वैल्यूज याद करना। मैम सी वाला मैम सी वाला 1700 बोला है भाई, कितने अभिनव ने। और बताओ भाई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है? अच्छा, मतलब डिफाइन कैसे करोगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को? बताओ भाई, बाकी लोग भी बताओ, बाकी लोगों को चुप नहीं बैठना है। देखो क्वेश्चन हो रहे हैं तो बताना पड़ेगा, नहीं बताना है तो फिर हम क्वेश्चन करा ही क्यों रहे हैं। क्या तुम लोगों ने चैप्टर बिल्कुल रीड नहीं किया साथ साथ में? चैप्टर तुम लोगों ने पहले बता दो, चैप्टर तुम लोगों को रीड है कि नहीं, तो कराए, नहीं तो फायदा ही क्या है। चलो छोड़ो। मैम हाँ, इसका बी होगा, गुड। प्रियंका ने सही बोला, बी होगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस
हेलो एक्सपायरी मैम, डेज। हाँ बेटा मैम वॉइस सुनाई नहीं दे रहा आपको? हेलो अभी दे रहा है, पहले नहीं दे रहा था। हाँ मैम, ऑप्शन बी होगा मैम, इसका होगा ए मैम, प्लस हो जाएगा दोनों मैम, 100+5। हाँ टीवी प्लस ईआरवी, यही तो होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, कि हम मतलब कितना एक्सपायर कर सकते हैं, कितना एक्सपायर करते हैं। जो नॉर्मल करते हैं वो तो कर ही सकते हैं, और फोर्सफुल वाला भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल और फोर्सफुल वाले को अपन प्लस कर देंगे, तो नॉर्मल वाले को अपन टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, है ना, और जो फोर्सफुल वाला है उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, तो दोनों को प्लस करके वो बोल देंगे। ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर इनको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछनी थी तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोला है, कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। चलो भाई, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। ऑप्शन बी ऑप्शन बी, ठीक है, और कोई बताएगा? पहले वाले में क्या गलत है? तुम पहले वाले में क्या गलत है? हम इंस्पायरेशन होना चाहिए था। ठीक है, इंस्पायरेशन होना चाहिए था, ठीक है, बी वाला तो सही है। सी वाले में क्या गलत है? सी वाला बी का उल्टा है, ठीक है, डी वाला? मैम ये रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेशन, डायफ्राम। हाँ, या तो रिलैक्सेशन होना चाहिए था या एक्सपायरेशन की जगह इंस्पिरेशन। इंस्पायर। हाँ गुड, ठीक है भाई, आवाज नहीं आ रही थी तुम लोगों की, ठीक है ना। अब इसको मैचिंग कर दो, देखो फिर से आ गया अपनी वही वैल्यूज वाला जो हमने बोला था कि इनको याद करना आते हैं, देखो फिर से वही आ गया। तो बता दो भाई, मैचिंग कर दो जल्दी से। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? सबसे कम, ठीक है, ए का तो थर्ड डिसाइडेड है, ए का थर्ड डिसाइडेड है, तो सी और डी तो हमारा ऐसे ही चला गया। ए और बी में चूज करना है तो कर लो जल्दी से। मैम बी, बी, ठीक है भाई, बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपना 2500 to 3000 होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है अपना 1000 से 1100 होता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 होता है, ठीक है भाई, कितना इजी है, हो गया। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, एल्विओलाई बोलते हैं, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्यों भाई? हम जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देते हैं तब भी हमारा जो लंग है वो कोलैप्स क्यों नहीं करता है, मतलब हमारा जो एल्विओलाई है वो कोलैप्स क्यों नहीं करती है, मतलब वो क्या हो जाता है? कोलैप्स करने का मतलब है कि उनकी वॉल्स आपस में चिपक जाएंगी, मतलब अगर खाली हो जाएंगी तो आपस में वॉल्स चिपक जाएंगी कि नहीं चिपक जाएगी, है ना, यस इसी मैम, का मतलब होता है कोलैप्स करना। तो क्यों नहीं होता है, मतलब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर भी देते हैं तो किसकी वजह से हमारा लंग कोलैप्स नहीं करता है? एमसी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अब फिर सोम की आवाज नहीं आ रही, गायब ऑप्शन हो। सी। ऑप्शन सी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और भाई ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, सबकी डेफिनेशन मन में याद होनी चाहिए कि इंस्पायरेटरी रिजर्व की क्या थी, टाइडल की क्या थी, एक्सपायरेटरी क्या थी, और रेजिडुअल की क्या थी। जब ये चारों तुम्हें आएगी ना, चुटकी भर में ही आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है, कोई बताएगा क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम किसको कहते हैं, होता क्या है? हाँ जी, सर मैम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर मैम जब एक्सपिरेशन करते टाइम पे मैम एक बंदा रिलीज कर सकता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जितना अमाउंट ऑफ एयर जो है
रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब तुम लोगों को डेफिनेशन क्लियर है तो फिर से पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो इसको। उसने रीजन पूछा है कि जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देते हैं तब भी हमारा जो डी डी गुड है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था, वो वॉल्यूम ऑफ एयर था जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देते हैं, तब जब हमारे तब उसके बाद जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है उसको अपन रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, यस मैम, समझे भाई तुम लोग? और किसने बोला था इसका सी आंसर? सोम ने भी बोला था, समझे सोम? चलो भाई, यस मैम। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज, ये बता दो। पढ़ो, ये भी तुम्हारा आसानी से आ जाएगा, बस ध्यान से पढ़ना अच्छे से और इसका आंसर दे दो। ए और बी में कंफ्यूज हो रहा हूँ। ए और बी में कंफ्यूज, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स और देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल्स। और किसी को? इसका ऑप्शन होगा अपना बी ऑप्शन होगा, देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब कहाँ का प्रेशर बोल रहे हैं ये? अरे भाई, जो हमारा प्लूरल स्पेस था ना उसका प्रेशर बोल रहे हैं ये, इसका स्पेस बोल रहे हैं, प्लूरल प्रेशर का प्लूरल स्पेस बोल रहे हैं ये, जो प्लूरल स्पेस अपन ने पढ़ा हुआ था ना वो प्लूरल स्पेस बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है अपना नेगेटिव प्रेशर होता है, तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, उसमें एक इलास्टिक फोर्स जो होता है उसमें वो जनरेट होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो लंग्स होता है वो कोलैप्स नहीं करता है ना, मतलब लंग कोलैप्स, फिर तुम्हें मतलब पता है लंग कोलैप्स का मतलब चिपकता नहीं, उसकी वॉल्स जो है वो चिपकती नहीं, तो वॉल्स चिपकने ना चिपके उसके लिए कहाँ पे प्रेशर चाहिए, लंग्स के अंदर, मतलब जो कैविटी है उस लंग्स के अंदर प्रेशर चाहिए कि इंटरप्लूरल जो कैविटी है उसके अंदर प्रेशर चाहिए? मैम लंग्स लंग्स नहीं भाई, जो अपनी बाउंड्री है स्पेस है उसमें प्रेशर चाहिए ना, यस मैम। ठीक है, तो उसका प्रेशर की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट? ठीक है बताओ। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट करते हो तो आप क्या इनमें से कर सकते हो, मतलब मैम सी, सी, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाई मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट द मूविंग रिब्स एट ऑल। और भी कोई बताएगा? प्रियंका,
मैम सी। सी, दो लोगों का सी हो गया। दो लोगों का हो गया। आगे ऑप्शन ए। वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा तुम्हारा अगर कॉन्सियस है, तुम अगर वॉलंटरी भी कर रहे हो तो तुम क्या ऐसा कुछ चेंज कर सकते हो? क्यों भाई सोम, कुछ ऐसा चेंज कर सकते हो जो तुम पूरी ऑक्सीजन, मतलब सिर्फ CO2 ही CO2 तुम रिलीज करो? कुछ ऐसा कर सकते हो क्या कॉन्सियसली? सोचो इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या होगा अपना इसका? अपना होगा कि भाई जो प्रियंका ने बोला है, अभिनव ने बोला है कि वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द लिप्स एट ऑल। क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है वो भी हमारा क्या करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है ना, कॉन्ट्रेक्शन मतलब जो हमारा वॉल्यूम बढ़ाने और कम करने में भी हेल्प करता है। तो अगर अपन कॉन्शियसली देखें तो अपन सिर्फ डायफ्राम से भी अपना क्या कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कॉन्शियसली हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि आप रेस्पायरेशन हमेशा कॉन्शियसली करते हो। आपको हमेशा याद करना पड़ता है कि अरे भाई अब तो रेस्पायरेशन करना है। नहीं, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए ऐसे कोशिश करोगे, जैसे योगा में करते हैं अपन, कुछ टाइम के लिए अपन कोशिश करते हैं तो अपन ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लिप्स के बिना भी क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं। लिप्स के मूवमेंट के बिना भी रेस्पायरेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पायरेशन में सिर्फ अकेला ये नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने अलग अलग तुमको मसल्स बताई हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, अपने जो वॉल्यूम है वो बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो अगर उनमें से अगर अपन चाहें तो एक को रोक के भी रेस्पायरेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि तुमने एक ऑप्शन वन बोला है, वन कैन ब्रीद आउट या टोटली विदाउट ऑक्सीजन, तो ये हमारे हाथ में नहीं है ना। वॉलेंट्री थोड़ी ना होता है कि हम हमें इतनी ऑक्सीजन अपने ब्लड में रखनी है या इतना हमको CO2 ब्लड में रखना है। ये कॉन्शियसली नहीं होता है कि तुम चाहो कि अपने ब्लड में अब तुम ऑक्सीजन ज्यादा कर लो। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तुम कॉन्शियसली नहीं कर सकते हो, है ना। तो तुम चाहो कि हम क्या, ये तो वही बात हो गई ना कि तुम ये सोचो कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन लेंगे। तो क्या तुम ऐसे कर सकते हो कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन लोगे? Gracias.